सभी वागड़वासियों का मेरा स्नेह भरा नमस्कार। मेरा सागवाड़ा न्यूज़ की तरफ से सभी वागड़वासियों को मैं अपील करना चाहता हूं कि वर्तमान का जो दौर चल रहा है निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा भयानक और विकराल रूप आज कोरोना ले रहा है। उसके लिए सबसे पहले हम सबको स्वयं अगर जागरूक हो गए तो कई सारी समस्याओं से, कई सारी विपत्तियों से अपन खुद बच सकते हैं और औरों को भी बचा सकते हैं। विशेषकर अभी सावों का दौर है, शादियों का दौर है, निश्चित तौर पर यह मांगलिक कार्यक्रम गत वर्ष भी टल गए थे किन्हीं कारणों से, इन कोरोना की लॉकडाउन की वजह से। अभी वो स्थिति नहीं है, पर विशेषकर शादियों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी सगे संबंधी हो कम से कम संख्या में आवें। गवर्नमेंट ने चाहे 50 दिए हैं संख्या, पर मैं तो यही चाहता हूँ 50 से भी कम केवल लड़की और लड़के के परिजन जो निकटतम हैं वो आ जाए। शादी की जितने भी प्रक्रिया अपन कर रहे हैं, जो भी मांगलिक कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें पूरी सावधानी बरतें हैं, सरकार के सभी नियमों का पालन करें। साथ ही क्योंकि त्योहारों के सीजन में भी व्यापारी सभी अटके हुए थे, शादियों के सीजन में भी सभी अटके हुए थे, अभी कुछ ऐसा रहा है कि वापस शादियां आई और व्यापारी वापस संकट में आ गए थे। वापस सागवाड़ा में और आसपास के कई क्षेत्रों में ये निर्णय लिया गया कि कुछ घंटों के लिए दुकानें खोली जाएं। निश्चित तौर पर निर्णय तो स्वागत योग्य है, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि व्यापारी भी आज एक अर्थतंत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और आज एक मध्यम वर्गीय परिवार तो बहुत दुखी है और अर्थ से बहुत मजबूर था। पर व्यापारियों से मेरा विशेष निवेदन है, क्योंकि आप एक महत्वपूर्ण कड़ी है और महत्वपूर्ण कड़ी के साथ साथ अपने परिवार की कड़ी कड़ी तो है ही है, पर इस नगर की, इस वागड़ की भी एक कड़ी है। अगर आपको कुछ होता है तो भी समस्या है, जो ग्राहक आ रहा है उसको कुछ होता है तो भी समस्या है। तो ग्राहक तो सावधानी बढ़ते नहीं बढ़ते, पर व्यापारी से मेरी विशेष अपील है कि ग्राहक जितने भी आए उनको सावचेत करें, उनको ये आगाह करें कि आप अभी वर्तमान में कोरोना के जिस संकट से गुजर रहे हैं, सभी कोरोना के मापदंड, मास्क हो चाहे सैनिटाइजेशन हो, सारी चीजें सबको खबर है, मैं एक एक रिपीट नहीं करूंगा, पर हमें सावचेती की जरूरत है। तीसरी बड़ी बात कि जो आज मेरा सागवाड़ा न्यूज की तरफ से मैंने देखा, सागवाड़ा में जो भीड़ थी या आसपास की, निश्चित तौर पर लाजमी है क्योंकि 5 या 6 घंटे का ही समय है, पर उसमें भी अनावश्यक रूप से घर से केवल एक व्यक्ति ही निकले, ज्यादा व्यक्ति नहीं निकले, एक के साथ दो दो तीन तीन जो खरीदारी के लिए नहीं जा रहे हैं उनको भी अवॉइड करें, कम से कम संख्या में लोग निकलें, होम डिलीवरी का उपयोग करें, जितना जरूरी सामान हो वही क्रय करके लावें। अनावश्यक न तो संग्रह करने की जरूरत है, न अनावश्यक कहीं डर की जरूरत है। सबसे पहले मैं सबको ये निवेदन भी इसके साथ मेरा न्यूज सागवाड़ा न्यूज की तरफ से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब लोग सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें, डरने की जरूरत नहीं है, पर सब सावधानी अपनी तरफ से बरतनी है। साथ ही गवर्नमेंट का जो टीकाकरण का अभियान चल रहा है उसके लिए भी मैं विशेष कहना चाहूंगा कि हम सभी लोग टीकाकरण से जुड़े। 45 वर्ष से ऊपर का तो अभी वर्तमान में चल रहा है दौर, प्रथम चरण और द्वितीय चरण दोनों दौर में चल रहे हैं, जिनका द्वितीय चरण का बाकी कराए, और 1 मई से जो 18 वर्ष से ऊपर है उन युवाओं से, क्योंकि ये जो द्वितीय लहर है उसमें अपन ने सेकेंड लहर में विशेष देखी है कि युवा वर्ग को भी बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है। तो मेरी सभी युवाओं से विशेष अपील है जिनकी वर्ष आयु 18 वर्ष से ऊपर है, वह 1 मई से जो टीकाकरण अभियान पूरे भारत में शुरू हो रहा है, आप निश्चित तौर पर वैक्सीन लें। वैक्सीन से कोई डरने की जरूरत नहीं है, ये कई ऐसे डाटा आ भी रहे हैं कि वैक्सीन की वजह से, चाहे वैक्सीन लगने के बाद भी ऐसा आ रहा है कि संक्रमित हुआ है, पर उसकी रिकवरी बहुत ज्यादा अच्छी रही है, तो ऐसे डाटा अवेलेबल है। तो निश्चित तौर पर इस महामारी से मिलकर हम सभी लड़े और संकल्प लें कि हम स्वयं अगर अनुशासित हो गए तो कोरोना को निश्चित तौर पर हम सब मिलकर हराएंगे। आप सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।